मैं वापस फिर से आ गया हूँ, आपका दोस्त। और आज का जो वीडियो है वो बाइक से रिलेटेड नहीं है। जो हैंडीकैप लोग जो हैं, जो कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कैलिपर, किस तरह का कैलिपर। ये कैलिपर, ये मैं यूज़ करता हूँ उसको पहनने के लिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग जो है नॉर्मल शूज़ नहीं पहन पाते हैं। नॉर्मल शूज़, वो शूज़ जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे शूज़ आप देख पा रहे होंगे, ऐसे शूज़ हम नहीं पहन पाते हैं। क्योंकि जो कैलिपर मैंने आपको दिखाया उसमें एक स्पेशली डिज़ाइन शूज़ बनता है, जो कि जिससे आप बनवा रहे होते हैं, जहाँ भी जनरली ये जो है हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके का शूज़ बनता है, वो लोग बनाते हैं। तो वो एक स्पेशली डिज़ाइन उनके पास, एक वैसा जो भी एक कंसेप्ट है उनके पास, वो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं शूज़। आपको उसमें कुछ भी ऐसा फैंसी सा कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं, जैसे ये शूज़ आप अगर देख पा रहे हैं तो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप इस तरीके का अच्छा शूज़ पहन के निकलते हैं आपके। तो जिस तरीके का शूज़ ये लोग डिज़ाइन करते हैं, वो शूज़ देखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता, बहुत ही बेकार दिखता है। मैंने खुद अपने लाइफ में कम से कम ये शूज़ 10 से 15 साल पहने हैं, जो कि बिल्कुल अट्रैक्टिव लगते नहीं देखने में। ऊपर से भारी बहुत होते हैं क्योंकि ये वुड के बनते हैं। वुड में ये सब सेटिंग्स लगाना बहुत ईजी होता है। मैं आपको सेटिंग्स भी दिखाता हूँ, मेरे पास सेटिंग भी है, जो सेटिंग ये लोग फिट करते हैं शूज़ के अंदर, वो इस तरीके का दिखता है। पास से दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके का नट बोल्ट में फिटिंग करना लकड़ी के शूज़ में इजी होता है, तो इजीली कर पाते हैं, इसलिए इस तरीके का वो कंसेप्ट लाते हैं। दूसरे बात, वैसे शूज़ में प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब वो शूज़ कभी पानी में जाते हैं और भीगते हैं, तो क्योंकि वो वुड का होता है, तो वुड बहुत जल्दी पानी में आने पर डैमेज होता है। तो वो डैमेज पोर्शन भी जो होता है वो इतना आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस केस में वो शूज़ बिल्कुल कारगर नहीं है। टाइम के साथ वो शूज़ ख़राब भी होते हैं, शूज़ ये भी ख़राब होगा, ऐसी बात नहीं, ये भी ख़राब होगा, लेकिन ये जितना लाइट वेटेड है, ये मुश्किल से मुश्किल मैं जो होल्ड कर पा रहा हूँ 400 400 ग्राम के आसपास होगा, 300 400 ग्राम के आसपास होगा एक शूज़, ठीक है। मगर वो शूज़ आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 1 1 किलो के भी होते हैं शूज़, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली पहने हैं तो मुझे पता है कितना वेट होता है। आप ऑलरेडी एक एल्युमिनियम का ऐसा फ्रेम पहन रहे हैं जो ऑलरेडी आपका 1 से 1.5 1 से 2 किलो का वेट रखता है, ऊपर से आपका 1 किलो और वेट शूज़ का पड़ जाए तो आप बहुत भारी महसूस करते हैं, कन्वीनियंट नहीं होता। जितना लाइट वेटेड ये चीज़ें रहेंगी उतना चलने में इजी होता है एक इंसान को जो कि फिजिकली चैलेंज है और जो ये कैलिपर यूज़ करता है, तो उस लिहाज से वो शूज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने खुद इतना लंबे समय तक वो शूज़ पहना और मेरे को अब क्योंकि मजबूरी थी पहनना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। जिनसे मैं बनवाता हूँ ये शूज़, वो भी कुछ उसमें इनोवेट कर नहीं पाए, बड़ा ही भद्दा दिक्कत था वो शूज़ बहुत ज़्यादा। मेरे रिकमेंडेशन से और मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने कुछ बहुत चेंजेस किए, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो उस सेटिस्फेक्शन को दूर करने के लिए मैंने खुद सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरे को मैं एक नॉर्मल शूज़ पहन सकूँ। तो मैंने शुरुआत में बहुत हिडन ट्रायल्स किए और मैंने एक सस्ता शूज़ लिया, जो आप रोड पर जनरली जाते देखते 200 300 रुपये शूज़ मिलता है, मैंने वो शूज़ लिया। उसमें मैंने कोशिश की कि ये सेटिंग बैठाने के लिए मैंने कोशिश की, दोस्तों आप भी कर सकते हैं, ये सेटिंग बैठाने के लिए मैंने हाई हील्स वाले शूज़ को प्रेफर किया, ऐसे वाले शूज़ को जिसपे हील थोड़ी बड़ी हो, ताकि जब ये सेटिंग्स बैठे इसमें तो वो प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए। तो मैंने इसलिए हाई हील्स को प्रेफर किया और उसके बाद मैंने हिडन ट्रायल्स किए। पहला जब मैंने किया था वो काफ़ी अच्छा रहा था और बहुत बढ़िया से हो चुका था वो, और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने ये मैं रेगुलर बेसिस पे किसी भी शूज़ पे कर सकता हूँ, जिसकी भी शूज़ की अच्छी खासी हील्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर गैप्स हैं, क्योंकि
क्योंकि ये जो होता है ये काट के पूरा मैं काट के फिट करता हूँ इसके अंदर। मैं पूरा इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे इसको फिट करूँगा, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। तो अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है और मैं अच्छे से हर शूज़ में कर लेता हूँ जो भी हाई वाले होते हैं। तो मैं अपने शूज़ खुद ही इस तरीके से चेंज करके एडिट करके मैं प्रॉपर अपने कैलिपर फिट करता हूँ और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। आज तक कभी भी इस शूज़ को ऐसे डिज़ाइन करने के बाद, इस तरीके से मॉडिफाई करने के बाद, मेरे को आज तक किसी शूज़ ने धोखा नहीं दिया है। हाँ, क्योंकि हर शूज़ की एक ड्यूरेबिलिटी होती है, एक टाइम होता है कि कब तक वो शूज़ काम करेगा। सेम ये शूज़ भी उतना ही टाइम तक काम करेगा। ये शूज़ बहुत आराम से 1 से 1.5 साल तक आप चला सकते हैं इस फिटिंग के साथ में, रफ एंड टफ यूज़ करने के बाद। मैं भी रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ, मैं भी काफ़ी चलता हूँ, पैदल चलता हूँ और बाइक्स पे जाता हूँ, तो चल जाता है मेरा एक मेरा कोई भी शूज़ जो है बहुत आसानी से 1 से 1.5 साल चल जाता है। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं इस तरीके के चेंजेस करता हूँ, तो मैं 2-3 पेयर ऐसे शूज़ के रखता हूँ, ईजी रहता है, आपके पास रेडी टू यूज़ रहता है, आप कभी भी शूज़ चेंज कर सकते हैं और अपने मुताबिक। आप कोई पार्टी में जा रहे हो और कोई कहीं और भी जा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये पेयर वाला शूज़ मैं नहीं पहनता, मैं कोई दूसरा पहन लेता, तो ये इजीली आप अगर 2-3 पेयर शूज़ ऐसा बना के रखते हैं तो आप इजीली उसमें हटा के रिप्लेस करिए और नए शूज़ में। उस शूज़ के साथ दिक्कत ये थी कि वो एक ही डिज़ाइन का बनता था शूज़, और आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने पार्टी के हिसाब से या जिस भी जगह जा रहे हो उसके हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक, बहुत सारे ड्रॉबैक है उसके साथ, नहीं तो मैं आपको स्पेसिफिक ड्रॉबैक बता रहा हूँ, बहुत सारे ड्रॉबैक हैं उसके उस शूज़ के साथ में। मैं ये नहीं कहता जो लोग बना रहे हैं उसको मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शायद उनको इतना सोचने का या उतना उस लेवल पे जाने का किसी ने एनकरेज ही नहीं किया, अदरवाइज वो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया था तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हुआ, एक बस छोटी सोच थी मेरी, मेरे को मन था ऐसा शूज़ पहनने का, हर किसी को होता है, लेकिन हम लोग के साथ चैलेंज ये है कि हम लोग ऐसे शूज़ पहन नहीं पाते, पहन नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करते हैं इस बारे में। तो इस वीडियो में यही सब रहेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा एंड टू एंड दिखाऊंगा मैं कैसे उसको काटता हूँ, मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं इसको करने के लिए ऐसा। और होपफुली जितने मेरे दोस्त हैं जिनको ये तकलीफ है, जो इस तरीके का चीज़ें करते हैं, वो भी अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल तो है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कुछ भी कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करूंगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर कोई कोई टेक्नोलॉजी, कोई कोई ऐसा आइडिया, कुछ अगर आपको आपके लिए कुछ इजी करता है चीज़ें, आपके लिए बेनिफिशियल करता है, आपको कुछ सहूलियत देता है, तो उसको शेयर करना ज़रूर चाहिए। तो मैं ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाऊंगा और जो भी इसमें चीज़ें होंगी मैं एक एक करके आपको ब्रीफ करूंगा। होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी और लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों इस शूज़ को कैलिपर में फिट करने के लिए जो जो चीज़ें हमको लगेंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपको सॉकेट लगेगा, ये सॉकेट अवेलेबल होता है जब आप शूज़ बनवाते हो, तो वो ऑलरेडी आपके शूज़ में होता है, तो आप अपने पुराने शूज़ को शूज़ में से निकाल सकते हो। ये कुछ मैंने वेल्डिंग इसलिए करवाई है क्योंकि इसका एक पोर्शन जो होता है टूट गया होता है, जो क्योंकि जो ये लोग बनाते हैं वो इतना पतले पतली पत्ती होती है तो जनरली वो टूट जाती है, तो मैंने एक अलग से एक पोर्शन ऐड करवाया है, उसमें वेल्डिंग करवा लिया है। आप किसी भी अपने आसपास जो भी आपके वेल्डर्स हों आप उनसे बोल देंगे तो वो चीज़ कर देंगे, वो ये जो लगा रखा मैंने वेल्डिंग करवाया वो कर देंगे, इजीली कर लेते हैं, कोई इतना दिक्कत की बात नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग आनाकानी करते हैं कि यार नहीं ऐसा काम है वैसा काम है, लेकिन आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे या कोई अगर जान पहचान का आपका है तो आप उसको बोलेंगे तो वो कर देगा, उसको ईजिली कर देगा, तो कोई चैलेंज नहीं होगा आपको करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ में आपको प्लेट्स, ये ऐसी प्लेट बनवानी पड़ेगी जो कि इसके इन होल्स के साथ में मैच करती हो। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये बिल्कुल मैच करवा के ये बनवाया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ये। तो आपको ऐसा ये पत्ती बनवानी पड़ेगी, ये भी जो वेल्डिंग करते हैं उनके पास रहता है, तो ये बिल्कुल बना देंगे आप, जैसे आपने होल्स दे रखे हैं उसके नाप के हिसाब से होल्स बनवाने के लिए देंगे, ठीक है। एक आपको पेपर कटर चाहिए होगा क्योंकि जब आप इस शूज़ को काटेंगे उसके लिए तो पेपर कटर से इजीली कट जाता है, और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करें इसको काटने के लिए क्योंकि रिस्की हो सकता है, हाथ हाथ मत कट सकता है, लेकिन पेपर कटर इजीली
तो काट लेगा। इसको भी थोड़ा केयरफुली करिएगा क्योंकि इससे भी हाथ कटने का डर होता है। अब मैं तो काफ़ी टाइम से इसको कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कितना प्रेशर लगाना है, क्या करना है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर करेंगे तो थोड़ा केयरफुल होकर आराम से काटिए उसको, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लगेगा ये बॉन्ड करके आता है ये चीज़, जो कि आपने देखा होगा फेविक्विक, ये उसी टाइप का मटेरियल है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो जब हम काटेंगे वापस से जब सोल को फिक्स करेंगे उसको चिपकाने के काम में आएगा। एक ये रिबिट टूल है, जो रिबिट आपको जो ये रिबिट्स देख रहे हैं आप, ये रिबिट्स को फिक्स करने के लिए, जब हम शूज़ को फिक्स करेंगे तो इन्हीं से हम फिक्स करेंगे, ठीक है ना, इन्हीं रिबिट्स के थ्रू हम फिक्स करेंगे। पहले मैं इससे पहले मैं जो था मैं यूज़ करता था नट बोल्ट्स को यूज़ कर सकता था करता था पहले मैं, ये नट बोल्ट्स हैं इनको यूज़ करता था, ये भी ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे भी आप फिट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन अगर रिबिट ये टूल आता है तो ईजिली रहता है, क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ें करनी है। अब इसको करने में दिक्कत क्या है कि आपको इसको बार बार, क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़े होते हैं, आपको मैन्युअली काटना पड़ेगा, या फिर आपके पास जो कटर मशीन होती है वो होनी चाहिए, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सस्ती आती है कि आप ले लो, सस्ती चीज़ें आती हैं आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, प्लस आप उसको यूज़ करने के लिए जो लोग लोहा काटते हैं ये सब करते हैं उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है काटने का, तो वो इजीली काट सकते हैं, लेकिन आप और मैं जो कि उस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग अगर काटेंगे तो शायद वो हम अपने हाथ भी काट सकते हैं, तो रिस्की है, इसलिए थोड़ा कोशिश करिए कि इसको ले लीजिए। ये मैंने परचेज़ किया था 600 रुपये में, 600 400 रुपये में, अभी एग्जैक्ट मुझे प्राइस पता नहीं, लेकिन इतने मैंने परचेज़ कर लिया था। रिबिट्स काफ़ी सारी आ गई हैं, 100 100 के करीब रिबिट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसको मंगवा सकते हैं, अमेजोन से मंगवाया था मैंने, और मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा अपने साइट पे, अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, और भी कामों काम में आ सकता है, मैंने स्पेशली इसी लिए लिया था, तो ये हो गया है, ठीक है। और पेन की ज़रूरत पड़ेगी, पेन मैं मार्क करूँगा मुझे कहाँ कहाँ पर किस हिसाब से कितना काटना है, तो पेन एक होना ज़रूरी है, आप क्योंकि इतना प्रोफेशनली हम चीज़ों को नहीं जानते, तो मैं थोड़ा मार्क करने के लिए पेन का सहारा लेता हूँ, ताकि मेरे को इजी होता है काटने के लिए, तो उस टाइम पे इजीली मैं काट सकता हूँ उसको। तो ये सब टूल्स लगेंगे, उसके बाद और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगेंगी, जो कि जब मैं करूँगा उसको बनाऊँगा तो आप लोग देखेंगे वीडियोस में, तो फिलहाल इतनी सब चीज़ें ही चाहिए। आई होप ये सारी की सारी कैप्चर हो रही है कैमरा के अंदर, अगर नहीं हो रही है तो बताइए मुझे प्लीज़। हाँ कैप्चर हो रही है, सॉरी बताने बता नहीं पाएंगे आप, ये सारी चीज़ें कैप्चर हो रही है, तो ये चीज़ें मुझे चाहिए होगा, शूज़ ऑफ कोर्स, शूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं, तो ये चीज़ें तो दोस्तों अब हम इसमें मार्किंग करने जाएंगे, मार्क करने जाएंगे कि हमें कैसे कैसे लगाना है इसको, तो मैं देखिए जैसे कि मार्क कर पा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, देखिए मुझे काफ़ी टाइम से आइडिया है, तो मैं अगर बिना मार्किंग के भी इसको काटता तो अच्छे से काट लेता, मगर क्योंकि आप जो है फर्स्ट टाइम करेंगे ऐसा, तो थोड़ा पेन से आप मार्क कर सकते हैं, हालांकि मेरे लिए मार्किंग ईजी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है प्रॉपर गैप्स कहाँ कहाँ से लेने हैं, तो मेरे लिए मार्किंग ईजी हो जा रही है, ठीक है आप करिएगा। मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ मार्क, थोड़ा यहाँ पर कम दिखेगा लेकिन मुझे आइडिया है, ठीक है ना, तो मैं हिसाब से काट लूँगा, तो और यहाँ तो मार्क से इसलिए कर रहा हूँ, आपको बेसिक बेसिक मार्किंग जो है यहाँ पे करनी है, कि जो यहाँ से जो कट लगेगा वो थोड़ा आप मैं आपको दिखा पाऊँ अगर, ठीक है, थोड़ा सा शाइन करेगा ये मार्क, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर पेन है नहीं वैसा जो मैं आपको दिखा पाता, तो मैं इसलिए नीला पेन से कर रहा हूँ, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है, मगर आप मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग करिएगा, मार्किंग ऐसी करनी है कि मुझे देखना है कि इस के साथ में जो आ रहा है पैरलर ये आना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली में ये जो फिट करना है इस साइड यहाँ फिट करना है, तो यहाँ फिट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, ये प्रॉपर अलाइनमेंट ऐसी आनी चाहिए बराबर में, ठीक है, तो आप इसको स्केल से भी कर सकते हैं, मगर मेरे को इतना अंदाज़ा हो चुका है कि कैसे करना है, लेकिन आप स्केल से अगर प्रॉपर लाएंगे, यहाँ देखिए ऐसे आएगी, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया यहाँ तक, ये मैं काटूंगा उसको आएगा, और ये यहाँ से आएगा, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रबड़ है तो आप स्ट्रेच करके उसको फिक्स कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप ये देखिए कि आपको कहाँ फिक्स करना है। अब देखिए मेरे पास इतने हील्स की स्पेस
स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इतना मुझे स्पेस अवेलेबल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना ज़्यादा उसको ऊपर से काटूँगा, सपोज़ करिए मैं यहाँ से अगर काटता हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ऊपर से काटेंगे तो जाहिर सी बात है आपका शूज़ में जो ये हाइट है वो अच्छा कैरी करेगा, तो आपकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। अगर आप मान लीजिए यहाँ से कट लेते, ठीक है, तो थोड़ा सा ये होता कि आपको ये लगाने में तो ईजी होता, मगर हाइट फिर आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और थोड़ा सा ये जो होगा आपके पास कुशन कम मिलेगा। तो मैं एडवाइस ये करूँगा, थोड़ा जितना आप ऊपर ले सकते हैं लगाइए, यहाँ से आपको इतना ही काटना पड़ेगा, तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पेपर कटर से काटेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। प्लस आप कोशिश करिए कि आप इसके लाइन में काटिए, जैसे मैं आपको मार्किंग दिखा रहा हूँ, जो मार्किंग कर रहा हूँ मैं इस लाइन में कर रहा हूँ, ताकि जब मैं काटूँ तो ये इसी पैटर्न में कटे, ताकि जब मैं चिपकाऊँगा तो अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा भद्दा सा नहीं लगेगा कुछ भी। क्योंकि मैं ब्लैक शूज़ इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जब आप इसको वापस चिपकाते हैं तो ब्लैक में इतना चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने मार्किंग कर ली है मुझे कितना काटना, ठीक है। सेम मैं मार्किंग यहाँ भी करूँगा उसी पैटर्न में, और देखिए मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको, थोड़ा तो शाइन से दिखेगा कि मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, देखें आप, ठीक है। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, उधर कर रहा था निशान में मार चुका हूँ ऑलरेडी, बस यहाँ सिमेट्री बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको लेके यहाँ से मैं यहाँ तक काटूंगा इसको, और निशान लगा देता हूँ मैं कि मैं कैसे काटूंगा, कहाँ तक ले जाऊँगा, ताकि जब मेरे जोड़ना होगा इजी। एक बार मैं और देख लूँगा कि जो मैंने मार्किंग की है वो दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये कम तो मार्किंग हुई है, तो मैं थोड़ा सा उसको और ऊपर ले जाऊँगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, क्योंकि जब आप फिक्स करेंगे शूज़ तो थोड़ा सा काटना वटना रहता है, उस लिहाज से तो मैं उस लिहाज से थोड़ा सा वो रहता है ऊपर नीचे, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करता हूँ। आप मैं आपको प्रीफर करूँगा कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करें, जब आप ये चीज़ बना रहे हैं अपने घर में, तो सस्ता शूज़ लेके आइए, मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, 200-300 रुपये का हो जाता है, क्योंकि आपको इस चीज़ में मास्टरी करने के लिए थोड़ा हिट एंड ट्रायल तो करने पड़ेंगे, थोड़े आपके अन अन क्या कहते हैं अनप्रोफेशनल कट्स लगेंगे इसमें, आप टेढ़ा मेढ़ा काट सकते हैं, तो वो चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे साथ भी होते हैं स्टार्टिंग में। तो मैं ये बोलूँगा कि आराम से आप लाइए उसको, और सस्ते शूज़ पे करिए, सस्ते शूज़ पे होगा तो कोई ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, टूट ये है कि थोड़ा, जहाँ मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, जैसे ये शूज़ आराम से 1 साल चलेंगे, वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फिर उसका रबड़ का स्ट्रेंथ भी हो जाता है। मैंने ये शूज़ अमेजोन से लिया था, 900 रुपये का लिया मैंने ये शूज़, अच्छा है काफ़ी, मैं ऐसे शूज़ पहले भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे मालूम है इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है। आप सस्ता तो शूज़ लीजिए अगर आप पहली बार इसको बना रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इस आपका इसमें हाथ सेट हो जाएगा कि आपको कैसे बनाना है, तो आप महंगा शूज़ पे भी इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी सस्ता शूज़ लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा, ताकि आपको हाथ सेट हो जाए इस पर, ठीक है। अब मैं इसको, मैंने मार्किंग कर ली है सारी की सारी, थोड़ी सी मार्किंग रह गई थी मेरी, मैंने यहाँ से तो कर लिया, और देखिएगा तो बराबर आना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे एक ही कट देखना कि यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, हो जाता है क्योंकि बहुत बहुत शूज़ में आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दिखते हैं कि कट्स आपको कहाँ कहाँ लेने। मैं कहूँगा कि आपको पेन थोड़ा, अगर ब्लैक शूज़ यूज़ करें तो पेन, वाइट पेन भी आता है, वाइट पेन यूज़ करिए, वो चला निकल जाता है आराम से, तो उसको आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मार्किंग तो हो गई, अब इसको हम काटते हैं। तो मैंने काटना शुरू कर दिया, देखिए मैंने यहाँ से मार्किंग ली है और पेपर कटर से काटना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से काटिएगा, पेपर कटर बहुत शार्प होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे को तो थोड़ी आदत हो गई है, तो मेरे को पता है कि कितना कट जाएगा ये, तो मैं उस हिसाब से काट रहा हूँ। देख रहे हैं कटने पे, थोड़ा बहुत
दुख लगेगा, मेरे को दुख लगता है जब मैं नया कुछ लेता हूँ और इस तरीके से काटता हूँ, लेकिन मुझे पता है जब इसका आउटकम निकलेगा तो बहुत अच्छा निकलेगा प्रोडक्ट का, तो मैं काट रहा हूँ इसको। तो आराम से काटिए, हाथ बचा कर काटिए, मैं जानता हूँ कि कैसे मुझे करना है, तो मेरे को तो मालूम है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। पेपर कटर बहुत ही शार्प टूल है दोस्तों, तो थोड़ा सा संभल के काटें। थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेरा कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, मगर अपने हाथों का ज़्यादा ध्यान रखिए काटते वक्त, क्योंकि तो मैं जैसे आपको देख रहा है इतना तेज, मैं पूरा का पूरा ख्याल रख रहा हूँ अपने हाथों को, कि गलत जगह से ना कट जाए। ठीक है, देख रहे हैं, मैं यहाँ तक मार्क करके ले आया, और मैं इसको प्रॉपर तरीके से काट रहा हूँ, बहुत इजीली कट रहा है दोस्तों। यहाँ पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसी पैटर्न में काटूँगा जिस पैटर्न में शूज़ है, थोड़ा सा ध्यान से काटूँगा ताकि मेरा पैटर्न ख़राब ना हो, क्योंकि हम वापस फिक्स करेंगे तो पैटर्न मेरा बरकरार रहे, थोड़ा सा ध्यान से करूँगा मैं एक बार, पैटर्न ख़राब नहीं होना चाहिए बस। यहाँ से मेरा दूसरा कट शुरू होगा दोस्तों, तो मैंने ऑलमोस्ट इसको एक वो फ्रेम दे दिया काटने के लिए, मैं थोड़ा सा इसको अंदर जाके काट के इसको अलग करूँगा। जैसे कटेगा तो आपको दिखेगा कि कैसा लगता है कटने के बाद, ये बहुत इजीली कट जाता है दोस्तों, देखो कट रहा है, क्योंकि एक बार आप, हाँ थोड़ा सा इसलिए जाता है बहुत शार्प होता है ये, थोड़ा सा और अंदर भी हम काटेंगे क्योंकि ये निकलेगा नहीं इतनी जल्दी इतनी इजीली, तो थोड़ा हमें ध्यान से इसको निकालना होगा, थोड़ा और अंदर डीप कर देके। होता है ये ट्रिकी काम है, एकदम से नहीं निकलेगा उसी पैटर्न में जैसे हम चाहते हैं, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। देखिए अभी बीच में से अभी भी उतना फॉर्मली कटा नहीं, इसलिए वो जो है दिखा रहा है आपको, तो मैं इसको बीच में से काटने की कोशिश करूँगा सही से, थोड़ा और अपने हाथ पैर बचा कर रखें, देखिए जैसे झटका लगता है ना, इस चीज़ को अवॉइड करने की बात कर रहा था, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी देखेंगे कि अभी भी बहुत, देखिए शूज़, देखिए गाइस अगर शूज़ अच्छा होता है अच्छी क्वालिटी का होता है तो जल्दी कटता नहीं है, तो मुझे अच्छी बात लगी है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा बेशक मेहनत ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से काटिए इसको, क्योंकि शूज़ अच्छा होगा अच्छी क्वालिटी का होता है तो चलता भी ज़्यादा दिन है, और उसकी जो ग्रिपिंग वगैरह है बहुत अच्छी बनती है। अब देख रहे हैं आप, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट मैंने इसको काट दिया, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाऊंगा मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
मतलब इस शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसी क्वालिटी का शूज़ मतलब मैंने तो सच बताऊँ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया उसका सोल होगा। काफ़ी मजबूत सोल है, अभी कटा नहीं है पूरा, हम काट रहे हैं अंदर तक, ऐसे एक एक क्लियर करके हमें काटना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है। एक क्लियर कर कटेगा तो हमारे लिए इजी होगा उसको निकालना, सोल को पूरा। थोड़ा एंगल चेंज करके यहाँ से काटने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर ये सब निकलता है वैसे, ये तो छोटी छोटी चीज़ें निकलती है, इसको रखिएगा, क्योंकि जब हम वापस से इसको बनाएंगे, उसको फिक्स करेंगे, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ना हमको चाहिए होंगी। इसलिए एक बढ़िया पेपर कटर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलमोस्ट जब भी मैं शूज़ बनाता हूँ, हालांकि इस पेपर कटर को मैं और किसी इस्तेमाल में नहीं लाता हूँ, तो ये पेपर कटर सालों साल वैसे कैसे रहता है। लेकिन अगर आपको जैसे ही लगे कि पेपर कटर पुराना हो गया, तो आप नया पेपर कटर यूज़ करिए, पुराने को मत यूज़ करिएगा, क्योंकि तब काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, कटता नहीं जल्दी, क्योंकि हमको इतना बारीकी वाला काम कर रहे हैं, तो यस वी नीड टू हैव बेटर टूल एवरी टाइम। थोड़ा ध्यान से रखिए, मैं बस ख्याल ये रख रहा हूँ कि मेरा पैटर्न ख़राब ना हो इस शूज़ का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पैटर्न, इसको पैटर्न को मैं नहीं ख़राब करना चाहता हूँ। तो मैं इसे थोड़ा ध्यान से काट रहा हूँ, तो वक्त ज़रूर लगेगा इसको काटने में, मगर कट जाएगा। और दोस्तों कटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा शूज़ आपका, आप देख पा रहे हैं कि कितना मजबूत सोल था, काटने में अच्छा, मतलब एकदम से आपको एक्यूरेट तो आप नहीं काट पाओगे, चाहे जितना भी प्रोफिशिएंसी ले लो, थोड़ा चढ़ा मढ़ा कटेगा, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब वापस से आप फिक्स करेंगे तो आपके पास फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम ये फिक्स से फिक्स करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका काम हो गया। अब आप एक बार चेक कर लें जो आपने बनाया था वो आपके अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया। हाँ मुझे पता है कि मैं इसको भी और काटूंगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन ही वो किया है, तो मैं थोड़ा सा उसको और काटूंगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन काटूंगा, इधर वाले को, ठीक है। तो नीचे वाला कट चुका है, नीचे वाला काम मेरा पूरा हो चुका है, और बाकी वाला दूसरा करने वाला हूँ। तो दोस्तों कटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने ये पोर्शन यहाँ से निकाला और ये पोर्शन यहाँ से निकाल देगा, तो ये यहाँ से अलग हुआ और ये यहाँ से अलग हुआ। इसके बाद जब मैं ये लगा के देखूँगा तो ये मेरा पैटर्न बिल्कुल सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, देखा, बिल्कुल सही बैठ रहा है, फिट एकदम, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। जब आप इसको लगाएंगे तो एक बार आप देखेंगे, हाँ ये जो गैप दिख रहा है, ये ऑब्वियसली ये सब पूरा का पूरा फिनिश जब करेंगे हम, उसके बाद ही सेट बैठेगा। तो ठीक है, अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको मार्क करेंगे छेद करने के लिए, ठीक है। आप इसको पेन से मार्क कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास और भी कोई टूल है मार्क करने के, तो उससे भी आप कर सकते हैं, बस मार्किंग सही से होनी चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपरली छेद कर पाएँ। मैं इससे इसको छेद करूँगा, ये शोल्डर है, गर्म हो जाता है, उसके बाद ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को शोल्डिंग करने के लिए होता है वायर्स को, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा इजी होता है, आप गर्म करके कहीं भी छेद करेंगे तो इजी होता है, वरना आप ड्रिल मशीन से भी करते हैं, ड्रिल मशीन से फिर से मैं भी कहूँगा कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपरली आप अपना हाथ का ख्याल रखें, उसके हिसाब से ही ड्रिल करें। तो मैं इससे करूँगा इसको छेद, और कैसे करूँगा आपको दिखाता हूँ मैं। मैंने इसको गर्म करने के लिए लगा दिया, जैसा कि आप थोड़ा सा देख पाएंगे, सॉकेट बोर्ड में लगा दिया मैंने,
इसको गर्म करने वाला हूँ मैं। ये गर्म हो रहा है, ऐसे गर्म होगा पता लग जाएगा। तो अब मैं इसको जो है छेद करूँगा इसमें, क्योंकि गर्म हो चुका है और मुझे क्योंकि स्मेल आ रही है तो मुझे मालूम पड़ गया गर्म हो गया। मैं ऐसे ही इस पर मार करके इसको छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे थोड़ा इजीली छेद हो जाता है। मैं एक आपको करके दिखा दूँगा, उसके बाद आप कर सकते हैं इसको। काफ़ी इफेक्टिव तरीका लगता है मुझे, क्योंकि इसमें कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कुछ प्रेशर डालना पड़ता है। ड्रिल मशीन में आपको दिक्कत ही होगी, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, तो उससे जो नीचे जो पट्टी होती है वो कभी कभी टूट जाती है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। इससे जो है आपका इजीली छेद हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो नहीं हो पाया क्योंकि गर्म होने में टाइम लेगा। गर्म हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे अगर कोई मेटल होगा तो मेटल की वजह से भी कभी भी छेद नहीं होता है। शायद यहाँ मेटल है इसलिए नहीं कर रहा है, चेक करता हूँ। दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस आए थे इस को बनाने में, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे एक मेटल प्लेट था शूज़ के अंदर, इसकी वजह से मुझे छेद नहीं करने दे रहा था सोल्डरिंग की वजह से। तो मैंने मैं निकाल के इसे दिखा रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने करवाया क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक इधर प्लेट्स होती है, यहाँ पे जब भी आप शूज़ खरीदेंगे और इस तरह का आपको डॉट दिखाई देता है, दैट मीन्स यहाँ पर एक प्लेट है मेटल की जो कि कुछ छेद नहीं करने देती। तो मैं गया और मैंने ड्रिल करवाया है इसको। आप भी किसी कहीं भी किसी भी शॉप पर जाकर ड्रिल करवा सकते हैं, जहाँ पर वेल्डिंग वेल्डिंग काम होता है वहाँ से वो ड्रिल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं करवा के आया और मैं थोड़ा सा छेद बड़ा करूँगा। किसी भी आप चीज़ से छेद बड़ा करते हैं, मैं सीजर का सहारा ले रहा हूँ, काफ़ी ठीक है। और इधर भी मैंने शायद गलत जगह छेद हो गया है मेरे ख्याल से, कोई नहीं, देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मेटल का दिख रहा है रोड, ये है। ठीक है, अब इसको हम लगा के चेक करेंगे कि कितना इफेक्टिव हुआ ये। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वी कैन एडजस्ट, वो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, अभी भी दोस्तों ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, रिबिट को मैं अभी बाद में ला के देखूँगा, अगर इससे काम चलता है तो ये भी हम लगा सकते हैं इसको। तो
पहले मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ रिबिट, क्योंकि रिबिट छोटी है लग रही है मुझे, रिबिट का साइज वो छोटा है इस वजह से तो रिबिट जा नहीं पाएगा अंदर। मैं ट्राई करूँगा, रिबिट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, इतना बड़ा होता तो जाता, मगर मैं ट्राई करूँगा अभी इसको कि देखते हैं कितना जाता है ये। पहले मैं इसको इससे फिक्स करके रिबिट के लिए जगह बनाऊँगा, पहले मैं इसको फिक्स करूँगा। चीज़ें करने में देख पा रहे तो मैं एक्चुअली ये इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा भी मैं ऐसे लगाऊंगा। एंगल चेंज हो चुका है इसका जो मैंने ड्रिल करवाया है, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे हम तो सही अलग में पिलाने की। दोस्तों रिबिट इतना लगा के मैंने नट बोल्ट से इसको टाइट करने का फैसला किया है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि रिबिट छोटा पड़ रहा था, ठीक है, छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसको ना लगा के कोई दूसरा लगाने का ऑप्शन लिया है। ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पता नहीं रिबिट लग पाएगा नहीं लग पाएगा, बट नॉट श्योर कि लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका लेंथ छोटा है, इतना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इतना आ रहा है। ट्राई करते हैं देखते हैं रिबिट लगता है कि नहीं लगता। इस वाले पर ट्राई करते हैं, खोल के इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ, लगता है तो बहुत अच्छी बात है, रिबिट बहुत कामयाब रहता है, इसलिए रिबिट लगाना एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको निकालता हूँ, पिचकस को वापस से पिचकस निकालूँ, और टेढ़ा लगा हुआ है देख रहे हैं आप, वो थोड़ी सी अलाइनमेंट में गड़बड़ हो गई है, जो मैंने ड्रिल कराया वो थोड़ा उल्टा ड्रिल हो गया, बट ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्टिल मैनेज दैट। क्योंकि जब आप बोलते हैं दूसरे को ड्रिल करने के लिए तो वो हो सकता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ना ड्रिल करके दे, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट उस इंसान ने किया ये काम, यही बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ तो बहुत लोग मना कर देते हैं करने से ड्रिलिंग वगैरह। तो ट्राई करते हैं कि रिपीट जाएगा कि नहीं जाएगा, तो को डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ी से पुश करूँगा इसको, कर रहा हूँ कि चला जा रही है इसके अंदर, शायद छूट
होता है, दूसरा रिबिट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है मेरे पास काफ़ी सारे। तो मतलब देखते हैं, चलो देखते हैं, साइज तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है, इसको देखना ट्राई करते हैं, ये शायद चला जाए। हाँ ये एक्चुअली तो यहाँ तक तो आई है, ये देखिए रिबिट यहाँ तक तो आ गया है, इसलिए आप देख पा रहे हैं, शायद थोड़ा सा और आना चाहिए था, बस तो ये तो बेट बाहर आ गया। जो उसको रिवील करना था वो टूट गया, सॉरी ऐसे आता, कोई नहीं उसको हम निकाल देते हैं, उसका ट्राई कर लेंगे। ये घुस पाता तो थोड़ा थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इजली रहता तो पकड़ के रखता ही जाता, ग्रिपिंग इसकी अच्छी होती, पता नहीं। ये भी खराब हो गया दोस्तों, ख्याल से रिबिट इसमें कामयाब नहीं रहेगा, हमको नट बोल्ट से काम चलाना पड़ेगा। इसको शेप को फिर से बड़ा कर लेंगे, इस वाले शेप को, मैंने इसको फिक्स कर लिया दोस्तों, इस नट को, ठीक है। अभी मैं इसको प्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये उठा हुआ है, तो मैं इसको, मेरे पास प्रॉपर टूल्स तो है नहीं, तो जो जो मेरे पास अवेलेबल हैं चीज़ें, मैं उसके थ्रू इसको कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की, थोड़ा सा मॉइस होगा बट वो आप बियर कर सकते हैं, आई गेस। आइडिया इस कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस कोई चलने फिरने में या इसको कैरी करने में, तो जितना इसे टाइट हो सकता है मैं टाइट करूँगा इसको, टाइट कर दिया मैंने, प्रॉपर टाइट हो चुका है, अभी थोड़ा सा इस साइड भाग रहा है, तो मैं इसको
पूरा सेट कर दिया इसको, देखिए ये पूरा पूरा सेट हो चुका है। ये थोड़ा सा ये उल्टा हुआ है, इसको ड्राइवर को हम थोड़ा और टाइट करके पूरा का पूरा इसको फिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले ना डुले, क्योंकि चलने में आता क्या कोई बिल्कुल किसी तरीके का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये मैं करूँगा, थोड़ा सा मुझे लगता है ये इस साइड आ गया है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको। पेन हो गया उसका प्रॉपर्ली फिक्स, देखो फिक्स हो गया, दिखेगा नहीं। हम जो है हम थोड़ा सा इसके अंदर का एडजस्टमेंट ये ठीक ही है, ऐसा कोई फाइट का बात नहीं है, बस हम इसको शेप करेंगे पीछे से यहाँ पे इसके थ्रू, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसके थ्रू किया था बहुत इजीली हो गया था, तो फिर से ऐसे ही करेंगे हम। थोड़ा गर्म हो लीजिए उसके बाद करते हैं इसको, उसको आप और फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे और थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा और हो सकता है। हो गया प्रॉपर बढ़िया से फिक्स, और भी प्रॉपर रैंक में भी लग रहा है, जब इसको पैन नंबर लगाऊंगा मैं तो बहुत अच्छा लगेगा शूज। प्रॉपर गर्म हो चुका है, तो मैं इसको संभाल के करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जूते को चला दें।
हो गया। अब मैं इसको पहले हम रिबिट से करने की कोशिश करते हैं, मगर रिबिट कामयाब नहीं हो रहा था, तो हमने रिबिट को छोड़ दिया और उसको पकड़ लिया। दूसरा नट बोल्ट है वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, पतला है थोड़ा ये। इतनी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप सीजर का इस्तेमाल करके आ सकते हैं। छेद मैंने ट्राई किया, पड़ गया। हाँ, सीजर आपका जरूर खराब हो सकता है, बट ठीक है, इतना बढ़िया आपको आउटपुट मिल रहा है तो यू कैन कट सीजर की कुर्बानी चली जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं। तो मैं तीसरे वाले में होल नहीं करूँगा क्योंकि उसका अलाइनमेंट पूरा ही टेढ़ा हो चुका है, तो उसमें होल करने का फ़ायदा नहीं है कुछ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही में होल करके काम चला लूँगा और बहुत इजीली भी हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा उसमें भी। तो कोशिश कर रहे हैं इसमें हम इसको फिट कर सकें। एक बार चला जाएगा तो फिर दिक्कत। छेद क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हो के जाना चाहिए था। छेद हो पा रहा है क्योंकि तो आसानी से हो गया था उसमें छेद, लेकिन अभी क्या हो रहा है। तू पिज़्ज़ा रिकॉर्डिंग चल रही क्यों बोल रही बीच में?
थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसको मैं काटूँगा। मेरे पास ये है टूल काटने के लिए, आपके पास भी कोई भी टूल हो सकता है, आलू हो सकता है, बेसक उससे काट सकते हैं, ऐसे काटने जा रहा दोस्तों। अब देखो ये बिल्कुल पूरी तरह फिक्स हो चुका है, यहाँ पे अंदर भी मैंने फिक्स कर दिया पूरा, ठीक है। थोड़ा सा ये छू के देखना कि आपको चुभे नहीं, ठीक है, मेरे को चुभ मिला भी, ठीक है, बिल्कुल बस क्लास फिक्स हो चुका है। अब हम सोल को इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो पहले मैं इसको फिक्स करूँगा इसमें, ठीक है, इसे फिक्स किया जाएगा। थोड़ा तो ऊँचा उठा हुआ है तो इसको काटेंगे हम। ध्यान से काटना क्योंकि आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। बहुत केयरफुली काट, और वो काटने के बाद चेक जरूर कर लें कि ठीक है ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं काट दिया आपने, ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊँचा है। एक क्राफ्टिंग का काम है, थोड़ा ध्यान से करना उस, ताकि जूते के लुक भी ख़राब ना हो और आपका काम भी बने। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही आ रहा, थोड़ा सा साइड पे, ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको परफेक्ट आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इसको चिपकाएंगे हम, चिपकाने के लिए यूज करेंगे ना ये जो बनाया हमने, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा चिपकाता है ये, तो इसको इसी काम के लिए बनाया गया। शेड करेंगे पहले इसमें हम, कई बार मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ तो कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होगी उसमें। शेड कर लो, बहुत तेज ही चिपकता है ये, हाथ में भी लग गया थोड़ा सा, तो चीज़ों को दूर रखिए क्योंकि पकड़ता है तो बहुत तेज पकड़ता है ये। लगा दीजिए प्रॉपर जहाँ जहाँ आपको लगाना है, इस तरीके से हर एक कोने कोने में लगाइए ताकि जब आप फिक्स करें इसको तो प्रॉपरली बैठ, ज़्यादा लेके आए इसलिए ताकि अच्छे से फिक्स करना चाहता हूँ इसको। थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे आप, उसके बाद ही चिपक जाता है।
जहाँ आपको लगे कि आपको थोड़ा सा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। पक चुका है अब हम इसको चिपकाएंगे। थोड़ा सा काटना पड़ेगा क्योंकि ये जो बना है उस हिसाब से हमको इसको प्रॉपर कटिंग देनी पड़ेगी। ध्यान से काटना दोस्तों। दोस्तों मैंने इसको जो है इसके अकॉर्डिंग काट लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है शेप में, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है इससे शेप में आने में, ठीक है। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होगा वो एडजस्ट कर लिया जाएगा और ये परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको फिक्स करेंगे। अब हम इसको चिपकाने जा रहे हैं दोस्तों। खाने के लिए पहले पूरा का पूरा इसमें इसको लगा दूंगा, अच्छे से लगाना, पीछे से लगा दें ताकि हम जब आगे की तरफ इसको मूव करें तो अच्छे से मूव हो। इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। बहुत सारा लेके आना है ताकि मुझे कोई भी किसी तरीके का डाउट ना करना पड़े कि हाँ ये चिपकेगा नहीं है। चिपकता बहुत अच्छा है, बहुत बार ट्राई किया मैंने। पीछे से पहले हम इसको चिपकाना शुरू करेंगे, ध्यान से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब ये चिपकता है तो बहुत ही हाथ में चिपक जाता है, तो बहुत तरीके से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बहुत लग गया हाथों में, कोई बात नहीं, हम कपड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन चिपकाएंगे कोई तरीके से हर एक जगह जगह से। थोड़ा बहुत इसको अच्छा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत कमाल का जोड़ होता है ये, इसके थोड़ा ध्यान से इसको चिपकाए। पीछे चुका है और हम इसको आगे से चुकाएंगे।
इसको निकलेगा नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ये निकलता नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कितने ही बार चुका है इनको इसको इस चेस से, तो निकलेगा कभी है नहीं है। बहुत बढ़िया चिपकता है, निकलने को सवाल नहीं होता। चलिए क्लियर, दो तीन बार चिपका दीजिए इसको। मैं इसको पूरा जब तक मैं श्योर कंफर्म नहीं रहता तब तक मैं इसमें चीज़ें लगाता ही रहता हूँ। ये देखिए आपका शूज़ रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी है शूज़ आपका। थोड़े से फिनिशिंग टचेस देने पड़ेंगे इसमें, जिसमें दिख रहा है गैप्स, आपको ये गैप्स ऐसे ही डाल के भर सकते हैं। अदरवाइज ये पूरा का पूरा शूज़ आपका वापस से पहले जैसा हो गया। देखिए अच्छा लग रहा है, जो ये गैप्स दिख रहे हैं उनमें आप ये भर सकते हैं, तो ये स्कूल फिल हो जाएंगे। अगर अभी तो मैं इसको चिपकाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस तरीके से भी चिपक सकता है। अभी चिपक गया भी पूरी तरीके से, दोस्तों ये पूरा का पूरा शूज़ अब तैयार है पहनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।